सो हेलो गाइज, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। बहुत दिन बाद मैं कोई वीडियो दोबारा बना रही हूँ, तो आज आपको मैं बहुत खुश लग रही हूँ। ये उसका रीज़न है, बहुत बहुत सालों बाद मैं कोई मूवी देखने जा रही हूँ, और ये मेरा बहुत ही पहला एक्सपीरियंस होने वाला है दो चीज़ों के लिए। सबसे पहला तो मार्वल से रिलेटेड मैं मूवी एक भी आज तक मैंने नहीं देखा, तो ये मेरा पहला होने वाला है। और प्लस 3D मूवी है, तो इसका भी एक्सपीरियंस मेरा सबसे पहला होने वाला है। तो जैसे अगर आपने पहले मार्वल्स की मूवी देखी है तो मुझे प्लीज़ बताएं कमेंट में कि आपने कौन कौन सी मूवी देखी है, और आप तो समझ ही गए होंगे हिंट से कि मैं कौन सी मूवी देखने जा रही हूँ। तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपने वो अभी तक वो मूवी देखी है कि नहीं देखी है। ब्लॉग में बने रहें और अपडेट्स के लिए। तो गाइज़ यहाँ पे मूवी स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पे आपको कुछ क्लिप्स अभी दिखेंगे, तो चैनल पे बने रहे ऐसी ऑनेस्ट मूवी रिव्यू के लिए। तुम्हारी सटक रही है। तो गाइस मुझे लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख, और अब मैं यहाँ पे अपना फिर पूजन कर रही हूँ, तो बने रहे मेरे चैनल पर आगे की रिव्यू जानने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन, मतलब मैं वापस आ चुकी हूँ। और अगर ऑनेस्ट रिव्यू तो बिल्कुल, तो मेरे फेस से आपको पता चलता होगा मैं उतनी खुश नहीं हूँ आके। रीज़न उसके यहाँ भी दो हैं। एक तो 3D बोल के उतना कुछ खास था नहीं, आधा मूवी 3D में था, और कुछ कुछ जो बहुत इम्पॉर्टेंट सीन्स थे, जैसे कोई गैलेक्सी का सीन हो गया या फिर कुछ ऐसे इंटेंस या मतलब थोड़ा सा गैलेक्सी वाले सीन्स ही जो थे वो 3D में थे, बाकी सारे सीन्स 2D में थे, तो उतना कुछ खास फ़र्क पड़ नहीं रहा था 3D मूवी का, तो उतना मुझे कुछ खास लगा नहीं। प्लस मैंने मार्वल्स का ये पहला मूवी देखा, ये बिल्कुल सच है, और मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा। रीज़न उसका ये है कि प्लस मैंने वॉल्यूम 3 देखा, तो बहुत लोग ऐसे बोलेंगे कि अरे इसने तो वॉल्यूम 1-2 देखा ही नहीं, तो 3 इसको क्या समझ आएगा। बट एक पॉइंट है यहाँ पे कि वॉल्यूम 3 में समझने लायक कुछ था ही नहीं। इसमें पूरा बेस था एक फ्रेंडशिप के लिए, वो लोग लड़ रहे थे एक फ्रेंड को बचाने के लिए, पूरा प्लॉट था। रॉकेट नाम का एक कैरेक्टर था, उससे शुरू होके मूवी शुरू होता है कि उसको कैद कर लिया जाता है और उसी पे जाके ख़त्म हो जाता है मूवी, तो उतना कुछ खास मुझे लगा नहीं। हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि अगर आपकी एज 10 से लेके 12 या फिर 14 या 15-16 तक में आप हो, तो आपको ये मूवी बहुत अच्छी लगेगी। नो डाउट उस एज ग्रुप के लिए मूवी अच्छी है, बट अगर जैसे मेरा एज 20 प्लस है, तो फिर वो आपको उतना कुछ खास नहीं लगने वाला है, उतना कुछ खास आपको नहीं लगेगा। बट हाँ, अगर आप मार्वल फैंस हैं तो अलग बात है। बट ये था मेरा एक ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट दैट मूवी। तो अगर आप भी मेरे तरह नए हैं, तो मुझे आपको बस एक एडवाइस देना है कि आप किसी और मूवी पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर लीजिए, क्योंकि मुझे पड़ा था 200 पर टिकट, तो मुझे एज़ पर प्राइस तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा ये। तो अब आपके ऊपर है गाइज, मैंने अपना ऑनेस्ट रिव्यू दे दिया। अगर आपने मार्वल्स मूवी देखी है या फिर आपने ये मूवी पर्टिकुलर देखी है, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कैसे पता चलेगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखें अपना, बाहर न निकले, धूप बहुत ज़्यादा है।